तो इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है वाराणसी में। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं और पूर्वांचल की सीटों को ध्यान में रखते हुए, बिहार की कुछ सीटों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव मैदान में हैं। और फिलहाल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे। अशोक सिन्हा जी के पास मैं चलूँगा, आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नरेंद्र मोदी जो है एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं अपने नामांकन के दिन। उनको ये भी कहा जाता है कि लार्जर देन लाइफ, लेकिन लार्जर देन लाइफ बनाने में नरेंद्र मोदी को बाकी पार्टियों का हाथ नहीं है क्या? नहीं, मैं क्लियर कर दूं यहाँ कि ये रोड शो जो मोदी जी का हो रहा है, इसकी क्या मतलब की उपयोगिता क्या थी? हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ा भीड़ इकट्ठा करने में माहिर हैं। मैं एनके सिंह जी के उस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि आज 117 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, जहाँ मीडिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, खास के बिहार के 7 सीट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपी के सीट्स हैं, मुझे लगता है कि उन सीट्स को प्रभावित करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी का ये यूजलेस रोड शो हो रहा है। आज सिक्योरिटी की जरूरत थी बूथ पे, आज इलेक्शन जो इतने कंडक्ट हो रहे हैं सारे इंडिया देश में, ठीक है इनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, इनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यूजलेस और बेमतलब का शो है जिस शो की कोई जरूरत नहीं थी। ये क्या दिखा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं, बिल्कुल आपके लिए तो यूजलेस ही होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत यूजफुल है शायद। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, यूजलेस रोड शो कहा जा रहा है इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता का पार्टिसिपेशन होता है। हम आज बनारस में जो रोड शो कर रहे हैं तो उससे जो भारी भीड़ उमड़ी है, इससे आप समझ सकते हैं कि बनारस के हर घर का एक व्यक्ति इस रैली में शामिल है, इस रोड शो में शामिल है, तो जनता का कितना पार्टिसिपेशन बनारस में है। और अगर सारे देश में भी हम इस रोड शो के जरिए पहुंच रहे हैं तो ये हमारे जनसंपर्क का तरीका है। जनसंपर्क में किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी नेता का अधिकार है। अगर आरजेडी को आपत्ति है, अगर दूसरे दलों को आपत्ति है, तो वो अपने कार्यक्रम करें, अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जनता तक अपना संदेश दे रही है, अपने नेता को पहुंचा रही है। हाँ बोलिए अशोक जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हमें आरजेडी को इस शो से कोई आपत्ति नहीं है। हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये रोड शो उनके डिविसिव कैरेक्टर को नहीं ढक लेगा। नरेंद्र मोदी जी का ये शो एक वर्ग को, जिसको ये अवॉइड करके चल रहे हैं, उन तक नहीं पहुंचेगा। मैं ये पूरी तरह से कह रहा हूं कि ये रोड शो इनका किसी डेवलपमेंट एजेंडे को आगे नहीं लाएगा। ठीक है, मैं एनके के पास चलता हूं। एनके, अशोक जी, ये जो रोड शो है, दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। 18 लाख लोगों का पार्टिसिपेशन है इसमें। मैं एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। एनके, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या ये जो रोड शो है और इसका जो फॉर्मेट रखा गया है, इसमें इससे पहले जो मोदी ने प्रस्तावक रखे 4 अलग अलग कम्युनिटी के, इस रोड शो में भी एक मुस्लिम मंच बाकायदा बनाया गया है, तो क्या क्या है ये प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए मोदी क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? रोहित, इस पूरी घटना को एक इम्पार्शियल व्यू से देखने की जरूरत है ताकि हमारे व्यूवर्स भी समझे। हाँ जी, हाँ जी, ये बात सही है कि आज इस फेज में जो छठा फेज है, इसमें जो टोटल नंबर है इलेक्टोरेट का, वो करीब 18 करोड़ है जी। अमेरिका की पूरी जो वोटर्स नंबर है वो लगभग इतना ही है। हाँ। जितना पूरे अमेरिका का वोटर होता है, उतना आज हमारे एक छठे फेज में भारत में इलेक्शन के लिए जा रहा है आज के दिन जी। तो 18 करोड़ बनाम 2.5 लाख अगर लोग हैं तो बिल्कुल है। राजनीति में जब हम एनालिसिस करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक लीगली वैलिड और दूसरा लेजिटिमेसी। क्या वो पॉलिटिकल प्रॉबिटी के हिसाब से, शुचिता के हिसाब से जरूरी है? यहां पर यह देखने की जरूरत है कि 18 करोड़ के लिए तमाम सिक्योरिटी की जरूरत होती है। और वैसे भी मोदी एक हमारे देश के बड़े नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी कुछ कंसर्न है। बिल्कुल, जब ये मोबाइल हो जाता है, 2.5 लाख लोग एक जगह हों और 2.5 लाख लोग मोबाइल हों, इसमें और वो भी बनारस ऐसी जगह पे जहां रोड इतने चौड़े नहीं है, तो वहां पे सिक्योरिटी का एक कंसर्न होता है। लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते।
कि 2.5 लाख लोग अगर एक जगह आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मोदी के उस बढ़ते कद को जो कि लार्जर देन लाइफ हो गया है वो क्रिएट किया गया है, लेकिन हो गया है। अब ये हो क्यों गया है? क्योंकि अपोजिशन जो था, अपोजिशन का मतलब जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसने एक वर्ड क्रिएट किया अपने उसके करप्शन के केसेस, माल फंक्शनिंग, करप्शन के खिलाफ खड़े ना होना, उससे जो वर्ड क्रिएट हुआ मिस गवर्नेंस की वजह से, उसको मोदी ने फिल किया और इतना फिल कर दिया कि मोदी की अपनी इमेज पार्टी के इमेज से बड़ी हो गई है। तो नेचुरली लोग आ रहे हैं, इसमें ऑन लुकर्स होंगे जो तमाशबीन के रूप में है, उसमें वो भी होंगे जो आरएसएस के कार्यकर्ता है जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और काफी कमिटेड है, और वो भी लोग होंगे जो वोटर्स हैं। और बनारस में आप जानते हैं छतों पे लोग किस तरह से आ जाते हैं, बनारस में रोज पान खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो 50,000 आदमी हमेशा बनारस की सड़कों पे पान खाता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस का एक कल्चर है, लोग अगर आएंगे तो नेचुरली मीडिया का इंटरेस्ट होगा कि ये कैसा सीन होगा, और हम सीन वो लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बात पर एनके सिंह साहब ने जो बात कही उस पर मैं अशोक सिंह जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, आपकी कमियां रही और इसी ने मौका दिया मोदी को आगे बढ़ने का? नहीं, मोदी की जो विचारधारा है जिस तरीके से बनारस पर लेके मोदी जी जिस जो बगल में खड़ा है वो व्यक्ति, मीडिया ये भी दिखा कि अमित शाह जैसा व्यक्ति जिस पे जो व्यक्ति की मानसिकता क्या है, चुनाव आयोग द्वारा अभी रोक लगाई गई थी उन पर और उन्होंने कहा कि नो बॉल हो गई है मुझ पर, कभी कभी ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रोड शो करने से मोदी कहीं ना कहीं कमजोर थे, उन्हें ये दिखाना पड़ा बनारस की जनता को और बाहर से लाके लोगों को। मैं नहीं मानता कि इस रोड से मोदी बहुत मजबूत होंगे। नहीं, आप अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट और देखिए और असली की लड़ाई नहीं दिया था कांग्रेस ने, अजय राय जी को हमने क्या कुछ कहा था आपको याद होगा, आपके सहयोगी थे जी। नहीं, क्या 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 भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी जी अभी तोगड़िया के बयान का टूट कह के खंडन कर देना, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आरएसएस के रूप में विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खुले काम करते रहे हैं, क्या तोगड़िया का बयान, क्या उन पर निंदा नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने तोगड़िया बीजेपी में नहीं है, तो मोदी जी खंडन करेंगे? के सामने ये नहीं बताना चाहिए किस तरह की मानसिक? नहीं नहीं, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस एक दूसरे के पहलू ये देश जानता है, ठीक है? नहीं, और दूसरी बात, जिस तरीके से गिरजा शंकर पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर पाई, नहीं कर पाई, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो एक साथ दो चेहरे देखने की कोशिश हो रही है। गिरिराज सिंह की बात शायद कर रहे हैं। अशोक जी क्या बात कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ इस पर, गिरजा शंकर पर अभी मोदी जी ने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? हाँ, गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं आप? गिरिराज सिंह जी जी जी, हाँ, तो उन पर तो चुनाव उन पर तो लिया गया ना एक्शन, ये कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने किया है कार्रवाई उस पर लिया है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आप ये कहते हैं कि अमित शाह पर कार्रवाई, भाई का जेल जा चुके उन पर कार्रवाई नहीं हो चुकी है, तो अमित शाह फर्जी इनकाउंटर में तमाम मामलों में वो लिप्त है, और देश की जनता के सामने अमित शाह जिस तरीके से उनके लिए राजदूत का काम कर रहे हैं, उनके सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो देश ये भी देख रहा है। दो भारत भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ये इनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन अगर फिर ऐसा देखा जाए तो चार्जेस तो कांग्रेस की, कांग्रेस लेड यूपी गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे हैं चार्जेस, करप्शन चार्जेस से बहुत सारे, आपके जो सहयोगी रहे उन पे बहुत सारे करप्शन चार्जेस, उनका तो जवाब आपका भी मिलता है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे पहले अगर कार्रवाई की तो हमने कार्रवाई की है, और अगर मोदी जी का भी दो दिन पहले का बयान आया कि हम सांसदों पे कार्रवाई करेंगे, तो गुजरात के आज आप मुख्यमंत्री हैं, पहले अपने घर से शुरुआत कर दें, तमाम भ्रष्ट मंत्रियों को बना रखा है, राजस्थान में तमाम भ्रष्ट मंत्रियों को आपने बना रखा है, तो पहले ये कार्रवाई करें। एक साथ दो विचारधारा देश में नहीं हो सकती है, हमेशा नकारा गया है, और भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा निश्चित फूटेगा, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, अशोक जी, जो आपके कैंडिडेट हैं वाराणसी से अजय राय, उनकी भी छवि बाहुबली की है, उन पर भी कई आरोप हैं। नहीं भाई, बाहुबली वो तो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी बाहुबली होता है, अभी उत्तर प्रदेश में सुनील सिंह को ज्वाइन कराया है वो बाहुबली नहीं, हमारे यहाँ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी यही कहते हैं, अमित शाह ने अभी एक वर्जन निकाल के लाए, तो हमने उस दिन बोला भी था कि भाई ये तो आपके पहले भी कैंडिडेट थे, आपके यहाँ से पार्टी चुनाव भी लड़ी है, तो बाहुबली की बात नहीं है, वहां असली और नकली की लड़ाई है। बाहर से आया व्यक्ति अगर कल आज मुझे लगता है भीड़ दिखाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं, तमाशा और भीड़ इकट्ठी की गई है पूरे देश से। एनके, इनकी बातों को सुनकर क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने लिए तो दाग अच्छे ही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा अशोक जी से कि अब हम लोग को वही स्टेज है जिसमें कि हम लोग को कुछ कमियां जो है जब जनता के सामने स्वीकार करते हैं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
कांग्रेस में जो वल्नरेबिलिटीज रही हैं, जो भेद्यताएं रही हैं, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाए, जो भी पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि अब ये हैबिट डाले कि गलतियां कहां कहां हुई हैं उसको स्वीकारें और अपनी अच्छाइयां भी बताएं। यहां पे बिल्कुल सही है कि अजय राय वहां पे पॉपुलर है, ये बिल्कुल सही है, अजय राय वहां पे काफी पॉपुलर है। और बाहुबली वाली जो इमेज है जो 20 साल पहले की है, बीजेपी ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया, लेकिन आपने लिया तो बीजेपी ने लिया इसलिए आप जस्टिफाई करा दे, ये कहीं गलत होगा। आज मोदी का जो इमरजेंस है उसको कोई भी नहीं नकार सकता है। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी दबे स्वर में ही जानती है कि इमरजेंस हुआ है, और इमरजेंस सिर्फ इसलिए हुआ है कि जब आप पवन बंसल को निकालने में देरी करते हैं, और पवन बंसल को निकालने के बाद जब मीडिया आती है, तमाम लोग आते हैं, तब जाके आप निकालते हैं, फिर कुछ दिन बाद रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन को लेके ये मैसेज जाता है कि आप जीरो टॉलरेंस नहीं रख रहे हैं करप्शन को लेके। अगर कांग्रेस ये कर ले जाती तो शायद आज स्थिति बदल जाती, लेकिन कांग्रेस ये कर नहीं पाई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की एक इमेज उभरी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एबल डेवलपर, विकास करता है। सही है या गलत है ये दूसरी स्थिति है। मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स में एक चीज होती है लेजिटिमेसी और दूसरा होता है लीगैलिटी। आज मोदी बिल्कुल सही है, अगर रोड शो निकाल रहे हैं तो कानून में कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। हम कहां कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, चाय अपने आप को चाय वाला बताते हैं, दो मानसिकताएं क्यों है भाई, चाय वाला व्यक्ति आप अपने आप को कहते हैं चाय वाले नहीं कह रहे हैं, वो बताते हैं। तो गुजरात में जो व्यक्ति ने मतलब गुजरात के हाल है, गुजरात 13 साल पहले विकसित नहीं, सिर्फ झूठ के सारे। आज गंगा की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में आकर, साबरमती नदी का क्या हाल है ये देश जानते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार है गुजरात में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, ये साथ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चाय वाले एपिसोड की शुरुआत भी कांग्रेस की तरफ से हुई थी। आप सब बने रहिए मेरे साथ, सच का शुक्र मेरे साथ बने रहिए। और आज सरदार ने आज सुनिए, सरदार वापस पटेल जी को आज याद आ रही है, मैं दिखा रहा हूँ उस वक्त तीन तस्वीरें, देखिए जरा मोदी का जो रोड शो चल रहा है उसके रंग देखिए। कुछ देर में मोदी नामांकन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रोड शो कर रहे हैं, और इस रोड शो में भारत माता भी हैं और छतों पर समर्थक खड़े हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के कुछ देर बाद वो नामांकन भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस इसी पर।